आगा करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक अफगान हदूद से दहशत गर्दों का चित्राल सरहद पर पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर हमला किया गया। चित्राल के इलाके कैलाश में पाक अफगान सरहद पर दहशत गर्दों की जानिब से दो फौजी चौकियों पर हमला किया गया। फायरिंग के तबादले में 12 दहशत गर्द हलाक और बड़ी तादाद में दहशत गर्द जख्मी हो गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 4 बहादुर जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से आज अगेन अच्छी खबरें नहीं आ रही। दो बड़े वाकयात हुए हैं। एक तोरखम बॉर्डर पर पाकिस्तान और अफगान जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है और जो तोरखम बॉर्डर है उसको आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। दूसरा वाकया कलदम तरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा सामने आया और आगाज़ इस वक्त जो पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं वो क्या हैं और अगेन दुश्मन तो वहाँ पे मौजूद है, जाहिर है जो साजिशें हैं वो भी अपनी जगह जारी रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस और उनका हल क्या है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। TTP ने बहुत बड़ा दावा किया है। TTP का कहना है कि उसने पाकिस्तान के KPK में कई गांवों पर कब्जा कर लिया है, जिससे पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप सा मचा हुआ है। दूसरी तरफ तालिबान ने भी पाकिस्तान से जंग का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तानी फौज के दो चौकियों पर तालिबान की तरफ से हमला किया गया है, जिसमें पाकिस्तान के 4 जवान मारे गए हैं। पाकिस्तान में इस वक्त हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। तालिबान और पाकिस्तान के बीच जंग जैसा माहौल बन चुका है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है पाक अफगान बॉर्डर को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ISPR का कहना है कि उम्मीद है अफगान अबूरी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगी। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों की बड़ी तादाद ने जदीद असलहे के साथ चित्राल के इलाके कैलाश में पाक अफगान सरहद पर मौजूद दो फौजी चौकियों पर हमला किया। कलदम तरीके तालिबान पाकिस्तान के एक सीनियर कमांडर और उनके तर्जुमान ने आज ये दावा किया कि तकरीबन सुबह 4 बजे उन्होंने चित्राल जो कि अब खैबर पख्तूनख्वा का एक ज़िला है और जो अफगानिस्तान के का सूबा कुन्नड़ नूरिस्तान और बदख्शां है उसके साथ उसकी सरहदें मिलती हैं। उनका ये दावा है TTP का कि उन्होंने एक जो कहा है कि ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च किया है और सरहद को क्रॉस करते हुए कई जो वहाँ के गांव हैं, कई जो देहात हैं चित्राल के उन पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। अगर इसमें आई थिंक 10% भी बात सच्ची है कि अगर चित्राल की तरफ से अब TTP जो है वो एक कोशिश कर रही है कि वहाँ पर सरहद को क्रॉस करने की और वहाँ पर इलाकों को कब्ज़ा करने की, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि बाकी जो साबका कबायली इलाके हैं वहाँ पर हमने देखा कि हालिया महीनों में जो TTP के वाकयात में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ, लेकिन उन वाकयात में इजाफे के बावजूद ये बात भी अपनी जगह पे मौजूद है कि अभी तक TTP का पाकिस्तान के जो माजी में रहा है किसी भी इलाके के ऊपर उस तरीके से बाज़ाब्ता तौर पर कंट्रोल नहीं है, जो कि वो तवातुर से कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जो साबका कबायली इलाके हैं जो माजी में उनका वहाँ पर कब्ज़ा रहा तो उसको दोबारा उस कब्ज़े को वो बहाल करवा सके, लेकिन अभी तक उनको उस तरीके से कामयाबी नहीं मिली। बट एक चीज़ जो TTP के दावे हैं उससे एक चीज़ ज़ाहिर होती है कि उनकी इंटेंशन बड़ी क्लियर है कि वो साबका कबायली इलाके हों या फिर ये चित्राल का जो इलाका है वहाँ पर, इसका मतलब है कि आज अगर उनको कामयाबी नहीं भी मिली तो वो एक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वहाँ पर कब्ज़ा करें और जिस तरीके से उन्होंने ये दावा भी किया। अब ये जो चित्राल का इलाका है माजी में भी इस लिहाज से ख़बरों में रहा है कि यहाँ पर मिलिटेंट्स की प्रेजेंस रही है। इवन आफ्टर 9/11 अटैक्स जब उसामा बिन लादन की तलाश थी अमेरिका को और बाकी दुनिया को, तो एक आध वीडियो जो मंजरेआम पर उसामा बिन लादन की यमन और ज़वाहिरी के साथ भी सामने आई तो कहा यही जाता है कि चित्राल और अफगानिस्तान के जो सरहदी इलाका है उसके दरमियान जो इलाका था उसी में वो वीडियो जो है वो शूट की गई थी और जो अमरीका है या जो बाकी दुनिया की ताकतें हैं वो उसामा बिन लादन को इस एरिया में भी तलाश करती रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस इलाके में मिलिटेंट्स की माजी में प्रेजेंस ज़रूर रही है, तो कि बाद में पाकिस्तान ने जो ऑपरेशंस किए वो साबका कबायली इलाके हों या जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो तो
काफ़ी हद तक पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तबाह हुआ, लेकिन अब दोबारा से टीटीपी ये जो दावा कर रही है या कोशिश कर रही है कि इन इलाकों पर कब्जा किया जाए, ये बात डेफिनेटली एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और अगेन उस बात की री इन्फोर्समेंट है कि कैसे अफगान तालिबान के आने के बाद अगस्त 2021 में जब दोबारा इकतदार में आए थे, टीटीपी कमज़ोर होने के बजाय एक दफ़ा फिर जो है वो सर उठा रही है। और जो कुन्नड़ का इलाका है, ये वो इलाका है, यह सूबा है अफगानिस्तान का, जहाँ पर टीटीपी की एक बहुत बड़ी प्रेजेंस मौजूद है। और जो लोग इस इलाके से वाकिफ़ हैं या अफगानिस्तान के अंदर जो टीटीपी की मूवमेंट पर नज़र रखे हुए हैं, उनका यही कहना है कि पूरे गांव के गांव जो हैं इन जो सरहदी इलाके हैं पाकिस्तान के साथ जो जुड़े हुए हैं, इनमें टीटीपी की प्रेजेंस मौजूद है। ना सिर्फ इनके जो मिलिटेंट्स हैं, इनकी जो फैमिलीज़ हैं वो भी मौजूद हैं। और वहाँ पर जो अफगान तालिबान हैं, जैसे हम पाकिस्तान में जो अफगान नेशनल्स हैं उनको महाजरीन कहते हैं, तो अफगान तालिबान भी जो टीटीपी के लोग हैं इनको पाकिस्तान के महाजरीन कहते हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि उन महाजरीन में एक बहुत बड़ी जो तादाद है वो कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की है। और अफगान तालिबान के इकतदार में आने के बाद ये बात भी अपनी जगह पर मौजूद है कि इन लोगों को एक खुली छुट्टी है और ये फ्रीडम के साथ वहाँ पर मूव कर रहे हैं, बावजूद बॉर्डर पर हुआ है तोरखम, आपको पता है कि वन ऑफ द की क्रॉसिंग पॉइंट है, वो दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत हो या फिर लोगों की आमदोरफ्त हो। और पाकिस्तान और अफगान जो बॉर्डर फोर्सेस हैं उनके दरमियान झड़पें हुई हैं, और उन झड़पों की जो वजह है वो ये बताई जा रही है कि जो अफगान हुकाम हैं वो जो सरहद से मुतसिल कोई नई पोस्ट जो है उसका क़याम अमल में ला रहे थे। हालांकि जो ज़राए का ये कहना है कि दोनों मुल्कों के दरमियान अब ये SOP है कि वो कोई भी जो इस तरह की पोस्ट है वो बग़ैर दूसरे मुल्क की इजाज़त से वो तामीर नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि जो अफगान के हुकाम हैं वो पाकिस्तान की इजाज़त के बग़ैर गैर कानूनी तौर पर उस सरहदी इलाके में वो पोस्ट की तैनाती कर रहे थे, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान झड़पें शुरू हुई। और अभी तक की रिपोर्ट के ये जो की क्रॉसिंग पॉइंट है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वो आर्जी तौर पर बंद था, लोगों की नकलो हमल जो है वो भी रुक गई थी। देखिए, मेरे ख्याल में 5 पहलू हैं और 5 सबक हैं जो कि 1965 की जंग से हमें हासिल होते हैं, जो आज के चैलेंजेस से भी निमटने के लिए मैं समझता हूँ सबसे क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है कौमी सतह। पहली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट इरशाद साहब ने की, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि देखें, वो जो जनरेशन थी जिसने 1965 में हमसे 5 गुना बड़े दुश्मन के दांत खट्टे किए, उसका गुरूर खाक में मिलाया, वो जनरेशन थी जो कि तहरीक पाकिस्तान में शरीक थी, तो उनका जो कमिटमेंट थी ना, इस जिसने मुल्क बनाया है वही उसको बचाने के लिए हर कुर्बानी से दरेज नहीं करेगा, सरधड़ की बाजी लगा देगा। एक तो कमिटमेंट है, दूसरी चीज ये कि देखें उस वक्त की जो कौमी क्यादत थी और कौम थी और फौज थी, उसमें किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं थी, वो यकजान दो कालिब थे। अगर हमारे अफवाज सरहदों पे अपनी कुर्बानियां दे रही थी, अगर हमारे पायलट फजा में दुश्मन को नाकों चने चबवा रहे थे, या हमारी बहरिया द्वारका पे भारतीय जो बेसिस है उनको तबाह कर रही थी, तो हमारा मीडिया हो, हमारे जर्नलिस्ट हो, हमारे फनकार हो, हमारी कौम जो है, हमारे स्टूडेंट्स हो, वो जिस अंदाज में भी उनसे हो सकता था वो फौज के साथ एक सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े थे। ये दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू ये है कि ऑब्वियसली जो हमारी अफवाज थी उनका जज्बे जहाद और जज्बे शहादत की तो दुनिया में आज भी नज़ीर नहीं मिलती है, वो डेफिनेटली वो सर धड़ की बाजी लगाते थे। चौथा पहलू जो था, जो बताना जरूरी है, कि दुश्मन की अददी और मादी बर्तरी हमारे ऊपर 5 गुना ज्यादा थी, लेकिन उसने हमारी अफवाज और हमारी क्यादत को बिल्कुल मरूब नहीं किया। तो दोस्तों, पाकिस्तान को आज आतंकवाद के सांप को दूध पिलाना भारी पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से तालिबान की सरकार को बनवाने में पाकिस्तान ने अपना पूरा किरदार अदा किया था, उसका नतीजा पाकिस्तान को
भुगतने को मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज से लेकर हर किसी ने तालिबान की सरकार बनाने में पूरी मदद की थी। आज पाकिस्तान पर तालिबान हमले पर हमला करता चला जा रहा है, जिससे पाकिस्तानियों को अपनी औकात याद आने लगी है, क्योंकि तालिबान ने जिस तरह से पाकिस्तानी फौज की चौकियों पर हमला किया है, उससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच आने वाले दिनों में और ज़्यादा मामला बिगड़ने वाले हैं। इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर पूरी तरीक़ा से बंद कर दिया गया है, क्योंकि तालिबान लगातार पाकिस्तानी फौज पर हमले कर रहा है। दूसरी तरफ TTP ने भी बहुत बड़ा दावा कर दिया है कि KP के कई गांवों में उसने कब्जा कर लिया है, जिससे पाकिस्तान में इस वक्त गम का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान पैसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, दूसरी तरफ पाकिस्तान के सिक्योरिटी के मामले भी लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।